जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं आपका दोस्त एनएसजी कमांडो। एनएसजी कमांडो फिजिकल एकेडमी में आप लोग की हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली टीए से कैसे एनएसजी कमांडो में जा सकते हैं, एक दोस्त का कमेंट था कि मैं अग्निवीर में आरआर में पोस्टेड हूँ लेकिन एनएसजी कमांडो में कैसे जा सकता हूँ, तो ये वीडियो स्पेशली उनके पास उन्हीं बंदों को होने वाला जो टीए भर्ती देखने वाले हैं और जो अग्निवीर में पोस्टेड हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले अग्निवीर में आप भर्ती हो गए हो लेकिन आप एनएसजी कमांडो बनने का इच्छुक हो तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि अग्निवीर 4 साल के बाद आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन आप 4 साल के बाद परमानेंट हो जाओगे तब आप एनएसजी कमांडो बन सकते हो। उसके बाद आपका एज होना चाहिए 18 से लेके 30 साल उम्र, उससे ज्यादा हो जाएगा तो आप नहीं बन सकते। हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप अग्निवीर में आरआर में पोस्टेड हो, कोई से भी जगह में पोस्टेड हो, 4 साल के बाद जब आप परमानेंट हो जाओगे तब आप एनएसजी कमांडो बन सकते हो, जब आप एज रहेगा 18 से लेके 30 साल उम्र। लेकिन अभी बात करते हैं कि टीए से कैसे आप एनएसजी कमांडो में जा सकते हो, इसमें क्या क्या रहने वाला है, कैसे टेस्ट देना है, आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला है। दोस्त पहले तो आपको बता दूं, आप टीए में भर्ती हो लेकिन आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और एज होना चाहिए 18 से लेके 30। वजन आपका होने वाला है 55 से 60 के अंदर। उसके बाद मेडिकल आपका 71 होना चाहिए और आपका जो एज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टीए में 18 से लेके 42 साल उम्र भर्ती होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 18 से लेके 30 साल उम्र तक जो भी बंदा टीए में जाना चाहता है उसी वही जा सकते हैं, बाकी बंदे नहीं जा सकते हैं। तो जब आपका यूनिट में 4 साल आपका नौकरी हो जाएगा उसके बाद यूनिट में नाम मांगा जाता है, तो उसी नाम को आपको देना है कि मैं एनएसजी कमांडो में जाने का इच्छुक हूँ। तो आपको क्या क्या टेस्ट लिया जाएगा, 9 मिनट के अंदर 2.4, 10 चिनअप, 1 मिनट के अंदर 17 शटल, उसके बाद 5 मीटर शटल, 1 मिनट के अंदर 40 सिटअप और 100 मीटर शूट। तो 100 मीटर जो रनिंग शूट के बाद आपका ये पास कर लोगे तो फिर आपका एक टेस्ट होगा 5 किलोमीटर 6.25 के साथ, 6.25 के साथ आपका 5 किलोमीटर रनिंग होगा। ये पास कर लोगे तो आपको 5 राउंड दिया जाएगा, वो भी ग्रुपिंग फायर होगा इंसास के अंदर, इंसास में फायर होगा। ये पास करने के बाद आपका एक लास्ट में टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपका होगा साइकोलॉजी टेस्ट। ये क्लियर कर लोगे तो आपका 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। 3 महीने का ट्रेनिंग के अंदर आपका कुछ भी हो जाए, आपका पेट टूट जाए, आप बुखार हो, एक दिन भी आप रेस्ट ले लोगे तो आपको वापस यूनिट भेज दिया जाएगा। यूनिट वापस जिस यूनिट से आए हो उसी यूनिट से वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन आप ये पूरा कर लोगे तो आपको ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो आपको फिर एक नया यूनिट मिलेगा एनएसजी के अंदर, उसमें आप 5 साल का आप ड्यूरेशन रहने वाला है, टी आर्मी का 3 साल का ड्यूरेशन रहने वाला है। तो 3 साल आप करने के बाद आपको फिर यूनिट वापस भेज दिया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया रहने वाला है, आपका सपना है कि आप एनएसजी कमांडो बन सकते हो लेकिन आपको पहले टी आर्मी में भर्ती होने पड़ेगा और उसके बाद आपका 170 सेंटीमीटर हाइट रहने चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में पूरा समझाया हूँ। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।